Hi guys, I am back again with a remedy very close to Kalikap. Last time ने Kalikap देखा था, तो आज हम लेने वाले हैं डलका मारा. तो एक रूब्रिक है जो कालीकाप और डलका मारा का कॉमन है, ऐसे काफी रूब्रिक्स है, पर हम जो बेसिकली पेशेंट में जो हमें दिखता है उठाते हैं वो जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो है इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इज, जिससे हम एंट्री लेते हैं. और इसी कारण मैंने डलका मारा सिलेक्ट किया हूँ. कालीकार और डलका मारा काफ़ी कुछ फैसेट्स में सिमिलर है. उनका हाउ प्रेजेंटेशन काफ़ी सेम है. फॉर एग्जांपल डॉगमेटिक डिक्टेटोरियल हो गया, और होता है इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इज. तो इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट इज जो है बहुत ही कॉमन रूब्रिक है, हम इजीली उठा सकते हैं. बहुत पेशेंट्स में हमें मिलता है, बहुत फीमेल्स में मिलता है. ठीक है, तो ये रूब्रिक से अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें कई बार सिलेक्शन में इशू होता है. ठीक है, बेसिक लोगों को कि ये देना चाहिए कि ये देना चाहिए, तो ये क्वेरी आपकी मैं आप दूर करूंगा. तो डलका मारा कैसी होती है, कालीकार और डलका मारा का फुल कंपैरिजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसमें हम देखेंगे डलका मारा कैसा होता है, डलका मारा का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, और आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये कालीकार नहीं है, ये डलका मारा है. क्यों डलका मारा? बेसिकली हमने बेसिक जो रूब्रिक्स है डलका मारा के, वो है डॉगमेटिक डिक्टेटोरियल, है ना, और एंगर कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ, इससे हम घुसते हैं, है ना. कई बार एंट्री इसी से होती है कि भैया ऐसी रेमेडी है. पर डलका मारा का एक बहुत अच्छा फैसेट है जो कि बहुत क्लोज है कुछ हमारी कॉमन रेमेडीज से, हम वो देते हुए डलका मारा मिस कर देते हैं, ये भी देखेंगे आज. तो डलका मारा कैसी होती है ना, दो केसेस भी डिस्कस करेंगे. डलका मारा कैसा होता है, डलका मारा बहुत ही अफेबल रेमेडी है. अफेबल मतलब इजीली फ्रेंड्स बना लेता है ना, बहुत चीयरफुल वाइवेशियस है ये बात करने में. जब ये शेड में आता है ना तो हम मिस कर देते हैं डलका मारा, हम इसे स्पॉन्जिया दे देंगे. क्योंकि अगर आप चीयरफुल वाइवेशियस वाले अगर रूब्रिक डाले होंगे जो इसके है, बिजी इलेटेड एक्सेलरेशन वाले रूब्रिक, तो आप क्लोज देखोगे तो आपको स्पॉन्जिया मिलेंगी, ट्रिटिकम मिलेंगी, वेनिला मिलेंगी. मतलब समझ जाओगे ये उस शेड का, उस टाइप का रूब्रिक है ये. ठीक है, उस टाइप की रेमेडी है ये, चीयरफुल वाइवेशियस वाली. ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे एक रूब्रिक से आज, जो आपको मालूम नहीं होगा शायद, डलका मारा, जो डलका मारा का हाउ डिफाइन करेगा, डलका मारा कैसी होती है बात करने में. ठीक है, तो वो रूब्रिक है टेस्टफुल. ओके, सो टेस्टफुल होती है. टेस्टफुल का मतलब जब वो सामने हमारे बैठेंगी, बात करेंगी ना, तो उससे सुनना हमें स्वीट महसूस होगा, वो हमें स्वीट महसूस होगी बात करने में. इसीलिए वो रूब्रिक में है टेस्टफुल. उसमें अदर रेमेडी आई थिंक सो वेनिला है. ठीक है, तो वेनिला भी वैसी होती है. तो डलका मारा टेस्टफुल रूब्रिक में है, तो समझ जाइए वो कैसी होनी चाहिए. जो हमने उसका एक प्रिजुडाइज फैसेट बना के रखा है, डिक्टेटोरियल डॉगमेटिक, ऑफकोर्स वो तो है, लेकिन इन जनरल कैसी होती है, अफेबल होती है, टेस्टफुल होती है, एक्सिलरेशन में, एक्सिलरेशन इन ओपन एयर. ठीक है, एक्साइटेड होती है काफ़ी बात करने में, आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगी वो, है ना, अच्छे से बताएंगी, स्माइल करेंगी, इस तरीके की रेमेडी, ना कि सैड वैड ऐसे नहीं है. ठीक है, वो कंडीशन उसकी पेन में आती है, वो पेन वाले फैसेट्स में. हमारे पास मैक्सिमम हम पेन फैसेट में डलका मारा देते हैं, तो हम वो पेन का भी फैसेट देखेंगे. पर आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में कैसी आ सकती है, ठीक है, ये भी एक फैसेट है. ठीक है, तो अमोरस है डलका मारा, अफेक्शनेट है ना, अमोरस मतलब मेकिंग लव, अफेक्शनेट है काफ़ी. ठीक है, आपको उससे बात करने की इच्छा होगी. लोकेशियस है, मर्थ है ना, मर्थ भी मतलब इंजॉय, जेस्टिंग, हंसी मजाक करने वाली, और कम्युनिकेट करती है बहुत अच्छे से. यूफोरिया में है, इलेशन में है, इलेटेड में है, क्यूरियस है, काफ़ी क्यूरियसिटी रहती है उसको. और अगर वर्क में देखेंगे तो बहुत ही मतलब चंचल है एक्टिविटी करने में, एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी मस्ट कीप बिजी, खुद को बिजी रखना चाहती है डलका मारा. इसलिए ये वर्क के प्रॉब्लम्स लेके ज़्यादा आती है. वर्क में कोई इशू नहीं होता है, वर्क में कोई इशू होता है तब ये आती है.
तो और ये दूसरों को प्लीज करने में होती है, हमेशा दूसरों को प्लीज करती है, वो खुश रखना चाहती है। चीयरफुल है काफी, चीयरफुल डर का मारा, नेचर लव्स में है, चीयरफुल एंड फुलिश टॉकिंग में है, कंपनी डिजायर फॉर अ फ्रेंड में है, एक्सिलरेशन में है, एक्साइटमेंट में है, जेनरस टू में है। अरे मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड रेमेडी है ना। तो इसका हाउ कैसा दिख रहा है आपको, एक एक्सट्रोवर्टेड रेमेडी के टाइप में दिख रहा है। लाफिंग एट इट्स ओन एक्शन, इसमें स्पॉन्जिया भी है। मैंने कहा ना कि डलका मारा कि जब अपन ये सब रूब्रिक्स डालेंगे, मैं आपको चार्ट भेजूंगा, तो चार्ट में आप देखिएगा कि अगर ये एक्सट्रोवर्टेड वाले रूब्रिक्स, कम्युनिकेशन, लाफिंग, एक्सेलरेशन वाले रूब्रिक्स अगर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो बाजू में मुझे टू द सरप्राइज डलका मारा के स्पॉन्जिया, वेनिला, काली सल्फ, इस टाइप की दवाइयाँ है ना, ट्रिटिकम, जो बात करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हंसते हैं, जिनको देख के आपको खुशी मिलेगी, ऐसे डलका मारो। ठीक है, पर जब ये तकलीफ में आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम जो होता है, तब जाके ये इरिटेबल, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स, ये सारे यानी अपोजिंग रूब्रिक, कॉन्ट्राडिक्शन वाले रूब्रिक, कंसो एडमोनिशन एग्रेवेशन, मतलब मूड रिपल्सिव, तब जाते हैं वो जी, वो स्टेजेस में हमें आते हैं, वो खड़ूस टाइप के दिखेंगे, खड़ूस मदर है, ठीक है, या खड़ूस माँ है, खड़ूस सास है, इस तरीके की दिखेंगी वो। तो ये जो दूसरा फेज है इसका, ये कैसा होता है देखेंगे हम, बहुत ही ओवर एक्टिव होती है डलका मारा, है ना, दिन भर काम कर सकती है, सुबह से रात तक दिन भर एक्टिविटी कर सकती है, और क्विक टू एक्ट में है ना, विटी है। अगेन ये सब स्पॉन्जिया जैसा फील आ रहा है आप लोगों को, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते कई बार, हम इसको स्पॉन्जिया देते होंगे, है ना। पॉजिटिव है, पेशेंस है, परसीवरेंस है, ये तीनों पी भी है इसके अंदर, है ना, पॉजिटिवनेस, पेशेंस, परसीवरेंस, लोकेशियस, म्यूजिक डिजायर, म्यूजिक एम्बलोरेशन, सिंपैथेटिक, नेचर लव्स, है ना, मतलब देखो कितनी टुवर्ड्स नेचर मेडिसिन है। अब इतनी अच्छी दवा, अब ये भी एबनॉर्मली रूब्रिक हुआ है ना, पर ये ऐसे कंडीशन में क्यों आती है हमारे पास, जिसमें हमें पता चलता है कि बहुत इरिटेबल है, क्वारलसम है ना, ये फेस क्यों आता है, उसके साथ ऐसा क्या होता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसका विल इशू क्या है, ये क्यों ऐसी बन जाती है, डिफाइंट में हेड का मारा, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम सैडनेस, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। डलका मारो को दूसरों की बात बहुत, किसने क्या बोला, बहुत बुरी लग जाती है, सेंसिटिव बंदी होती है और हॉटी होती है, ईगोइस्टिक में नहीं है डलका मारा, पर एक्चुअली इसका ये फीलिंग होता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो आपने भी ये फॉलो करना चाहिए। अगर IPR ये फॉलो नहीं करता है डलका मारा के हिसाब से, तो ये जो चीयरफुल बंदी है ये इरिटेबल हो जाती है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन में जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट में है, दूसरों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इनटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में है ना, इनटॉलरेंस में है, और सेंसिटिव टू रिप्रीमांड्स में है, वॉयलेंट फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन में है, वीपिंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट निग्लेक्ट व्हेन रिफ्यूज एनीथिंग, मतलब इन ऑल ये रूब्रिक्स मैं जो बोला हूँ इसका भी चार्ट आपको मिल जाएगा इसी में, तो ये आप देखोगे इसको ध्यान से, तो आप देखोगे कि इसमें जितने भी ये अगेंस्ट विल कोई जाता है तब इससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है ना। तब इसका रिएक्शन बहुत, मतलब जो पॉजिटिव था, चीयरफुल था, वहां से इरिटेबल हो जाता। तो अब ये देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन में जा रही है ये IPR के साथ कैसा रिएक्ट करती है ना, IPR के साथ कैसा रिएक्ट करती है, अपने फैमिली फ्रेंड्स कम के साथ कैसी रहती है डलका मारा,
ये देखेंगे। तो डलका मारा ऑलवेज याद रखिए, डलका मारा जो भी करती है वो अपने फैमिली को ही लेकर करती है और उसको फैमिली इश्यूज ही होते हैं। एक रूबरी के बहुत अच्छा टॉकिंग अबाउट फैमिली कंट्रोवर्सीज सिंगल डलका मारा, ठीक है, और इसकी लाइफ पूरी फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो चाहती है, फैमिली को चाहती है, वो एंजाइटी फैमिली अबाउटिज्म है चाहती है, पर उसका ये बेसिक है कि वो मेरे हिसाब से चले, वो बच्चा मेरे हिसाब से चले, वो हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, अगर नहीं चला या मेरी नहीं सुना तो उसको प्रॉब्लम होता। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में है, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग में है, तो इन लोगों को ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ओके। इसीलिए डलका मारा एक रूब्रिक में है, जब भी आएंगी ना वो आपके पास तो जो टॉक रहेगा, हर रेमेडी का एक से होता है, वो वही फील्ड में बात करता है। ब्रायन या पैसे की ही बात करेगा, रस्टॉक फैमिली की ही बात करेगा, आर्सेनिक मनी इनसिक्योरिटी की बात करेगा, बस फैमिली चिल्ड्रन की बात करेगा, बच्चे की बात करेंगे। तो ये एक सबका एक सर्कल होता है, वैसे डलका मारा का सर्कल होता है फैमिली, इसीलिए वो एक रूबरिक में एब्जॉर्ब्ड इन फैमिली मैटर्स, ओके, यानी वो ही चीज़ों में एब्जॉर्ब रहेगी। बिहेवियर कैसा है उसका, डिक्टेटोरियल टॉकिंग इन विथ एयर ऑफ कमांड, मतलब इतना डर बना के रखती है ये कि एयर ऑफ कमांड, व्हाट इज एयर ऑफ कमांड, मतलब जब कोई गुजरता है ना बाजू से ऐसा बंदा, इसमें दो चार रेमेडी और है, मतलब ये जो लोग जब बाजू से जाते हैं तो लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते, ये होता है एयर ऑफ कमांड, मतलब ये आ भी गए तो सन्नाटा हो जाता, ये लेवल की दवा है ये। दबंग होती है डलका मारा, स्ट्रांग होती है, पर इसका बिहेवियर अगर इसकी बात नहीं सुना जाए, इसके अगेंस्ट जाए तो बहुत बेकार होता है ना। क्वारलसम विदाउट एंगर इसमें है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट कंपनी डिजायर फॉर अ फ्रेंड इसमें, ये IPR के रूब्रिक्स है, IPR के साथ कैसा रिलेशन है ये चार्ट जो मैं बताऊंगा, ये रूब्रिक्स जो है इससे पता चलेगा आपको IPR के साथ कैसा रिलेशन। अब्यूजिव हस्बैंड टूवर्ड्स, एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, जो फ्रेंड की कंपनी चाहिए, कंपनी डिजायर फॉर अ फ्रेंड है ना उसमें है, पर अगर वहां भी प्रॉब्लम गई तो सेंसोरियस टू द बेस्ट फ्रेंड, सेंसोरियस विद डियरेस्ट फ्रेंड इसमें भी है, जो कि इतनी अफेबल थी वो एक सिचुएशन में, जब उसका क्या बोलते हैं ये सिचुएशन आ जाती है कि लोग कट जाते हैं या उसके हिसाब से नहीं चलते, तो स्ट्रेंड फ्रॉम सोसाइटी। हस्बैंड के काफी रूबरिक है देखा हमने, एंगर टूवर्ड हस्बैंड, हेट्रेड टूवर्ड हस्बैंड, कॉन्ट्ररी विथ पेरेंट्स, बच्चा भी कॉन्ट्ररी अगेंस्ट जाएगा, सब अगेंस्ट वाले रूबरी के, बहुत ही सेंसोरियस अब्यूजिव हो जाता है। तो ये IPR के साथ ऐसा बिहेव करता है, ओके। ड्यूटी अवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी में है, वर्क में होता है इसलिए घर के काम नहीं करता, ये हो गया IPR के साथ प्रेजेंटेशन। और क्या है IPR के साथ प्रेजेंटेशन, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स इस, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स इस, पर ये चाहता है कि कोई मेरे से बात करे, टॉकिंग डिजायर टू टॉक विथ समवन, टॉकिंग एम्यूरेट्स द कंप्लेंट। और पर बिहेवियर कैसा होता है इसका, हॉटी होता है, हॉटी क्वारलसम होता है, रिप्रोचिंग अदर्स, दूसरों को कोसना दूसरों की, और रिकॉग्नाइज डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज सराउंडिंग, जब उसके बात कोई नहीं सुनता तो बाजू में किसी को गिनता नहीं, ये है रिकॉग्नाइज डज नॉट रिकॉग्नाइज, कौन बैठा है, बड़ा बैठा है, छोटा बैठा, किसी को नहीं गिनता, ये लेवल पे चले जाता है डलका मारा। तो मैं आपको एक केस सुनाता हूँ, बहुत अच्छा केस है मेरे पास एक, हाँ एक लेडी आई मेरे पास, ऑलमोस्ट अभी 30+ है, ठीक है, वो CA है, बट वो ऐसे रिलीजन से है जहाँ पे लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता और इतना काम भी करने नहीं दिया जाता, बट ये बीइंग अ CA ये सुबह से रात तक के वर्किंग करती थी,
ओके, इसकी सास इसको जाने देती थी और ये फुल डे वर्किंग करती थी सुबह से रात तक, पर कभी घर पे काम नहीं की। तो मेरे पास क्यों आई वो? उसको राइट हैंड में पेन होने लगा और लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा, राइट हैंड में सबसे ज़्यादा था, शोल्डर तक जाता था, पूरे राइट हैंड में सबसे ज़्यादा ये व्रिस्ट और हैंड। तो मैंने अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक ये पूछा, ये दिस इज़ राइट हैंड मीन्स वर्क है ना, तो भैया तुमको काम में क्या दिक्कतें हो रही है? तो उसने मुझे बताया कि सर, बोले मैं पहले फुल डे वर्क करती थी, फुल डे काम करती थी मैं, पर अब क्या हो गया है, मेरा घर मेरी सास देखती थी, मेरी सास बहुत सपोर्टिव थी, लाइक अ मदर थी, मुझे पूछती थी। अब उसकी डेथ हो गई कोविड के बाद, तो मुझे अब घर का भी देखना पड़ता है और काम भी देखना पड़ता है। और उसने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे घर का काम में इश्यूज हो रहे हैं, उसका वाय ये था, घर के काम में इश्यूज तो हो ही रहे हैं क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया घर पे क्या हो रहा है, सब सास देख लेती थी। मैंने पूछा, आप संडे को नहीं घर पे होते थे? संडे को घर पे होती थी मैं, पर सास मेरे को जो काम बता देती थी बस मैं वो कर देती थी। मैंने कभी अपने दिमाग में रजिस्टर नहीं किया कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्योंकि मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। पर अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब सास गई तो मुझे तब ये नहीं समझा कि कहाँ घर पे क्या चीज़ें लगती है, क्या लाना पड़ता है, मतलब ये लेवल तक के उसे प्रॉब्लम्स आई सास जाने के बाद। तो अब उसने अपना वर्क कॉम्प्रोमाइज़ किया घर पे रहने के लिए, ओके। तो ये तो इसीलिए उसका हार्ट अफेक्ट हुआ है ना। तो ये, और वो बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका बहुत ही अच्छा नेचर था, ज़रूरी नहीं है वो डिक्टेटोरियल हो मेरे सामने, यहाँ वो उसके अंदर ये बिल्कुल भी फैसेट नहीं था डिक्टेटोरियल वाला, बट हाँ उसे चिल्ड्रन, मैंने रूल आउट एंट्री, मैंने इम्पेशन चिल्ड्रन से ही ली, क्योंकि मैंने उसको पूछा उनको और क्या इशूज़ है, तो उसने बताया सर मेरा बच्चा बॉम्बे में है और वो कोविड टाइम्स से बॉम्बे में है, अभी तक के वापस नहीं आया, तो उसकी मुझे चिंता होती है उसको कोविड ना हो जाए, मैं उसको रोज़ दिन में 3 बार फ़ोन करती हूँ, उन्हें हाथ धोया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, कहाँ खाया, कैसे खाया, ना पूरी डिटेल लेती थी, ठीक है, घर पे वापस आया कि नहीं, कब आएगा, नागपुर जल्दी आ जाइए, वो मतलब बहुत ही छोटे बच्चे की तरह उसको बिहेव करती थी। यहाँ से एंट्री लिया था मैंने अगेन, पर वो एक्सप्रेसिव थी, काफ़ी अच्छे से स्माइलिंगली बात कर रही थी, उसको सुनने में मुझे मज़ा आ रहा था, टेस्टफुल अच्छा लग रहा था मुझे उसके बात करने में, अफेक्शनेट थी वो, जो भी बता रही थी मुझे अच्छा लग रहा था वो सुनने में। तो ये डलका मारा थी, इसको डलका मारा देने के बाद एक ही डोज से उसका हाथ का पेन ख़त्म हो गया और वो रिलैक्स हो गई दिमाग से कि हाँ वो लड़का सब कर लेगा, मैनेज कर लेगा, ये रूब्रिक टूटा सबसे पहले। एक और केस बताता हूँ मैं आपको डलका मारा का, ये 65 प्लस लेडी, पूरे जॉइंट्स में पेन सीवियर। मेरे पास जब आई तो उसने बोला सर मैं हार चुकी हूँ, मैंने सारी दवाइयाँ लेके देख ली पर मेरी जॉइंट्स में कोई फर्क नहीं है। एक्सरे दिखाया उसने, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस था सीवियर, ठीक है। तो उसको उसकी बेटी ने लेकर आई थी, ओके, ये डलका मारा पेशेंट को। तो मैंने पूछा क्या स्ट्रेस है आपको, क्या चाहते हो आप, ये जॉइंट पेन की वजह से क्या दिक्कत है आप? सर मुझे ये फीलिंग है कि कहीं मैं बैठ ना जाऊँ और बेड पे ना आ जाऊँ, अगर रुक गई तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। सर मुझे अपना काम अपने हाथ से करना बहुत पसंद है, मैं अपने हाथ से ही कर रहा हूँ, मैं सब काम खुद करती हूँ, मुझे बाहर आना जाना पसंद है, ये सब रुक जाएगा, ओके, तो मुझे सर आप ठीक करके दीजिए, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। तो ये केस था। और यहाँ वो क्यों परेशान थी, यहाँ उसके चाइल्ड की हिस्ट्री ले लिए, तो उसका जो लड़का था उसको कोविड का इतना फियर था कि वो जो भी घर में अंदर बाहर करे तो उसको बार बार नहलाने लगा था, पूरे घर में डेटॉल हैंड वॉश करके रखा था। तो ये बच्चे की एक्टिविटी से ये बहुत परेशान थी और ये नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको हर एक्शन करने में हाथ पैर दुखते थे, पर बच्चा ये बोलता था तुम यहाँ गए हो तो हाथ धो के आओ, बाहर गए हो पैर धो के आओ, नहा के आओ, तो इतनी एक्टिविटी करवा देता था, तो उसके और उसके बेटे की बहुत झगड़े होते थे, ठीक है। पर उसने अपने मुँह से नहीं बोली, ये उसकी बेटी ने बताई है।
दिस इज सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन, अपने घर की बातें अंदर रखने का, बताना नहीं किसी को। तो ये चीज मैंने उनको पूछा क्यों भाई, तो उसने ये जब उसकी बेटी ने ये बताई तो ये डिनाई कर दी, नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हम लड़ते भी हैं पर हम साथ में ही रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, वो मेरे बहुत केयर टेकिंग करता है, सब करता है, मेरे केयर के लिए करता है, ऐसा उसका बोलना था। ठीक है, और वो डायरेक्ट बोल रही थी अपने बेटी को, चल चुप रहे तू, तेरे को नहीं समझता कुछ, मुझे मालूम है सब क्या है, यानी यहाँ पे वो डोमिनेट कर रही थी उसको। ठीक है, यानी उसकी बेटी भी ऑलमोस्ट 45 थी और ये ऑलमोस्ट 65+, तो भी वो उसको दबा रही थी यहाँ पे मेरे सामने। तो तब मैंने ये समझा कि नहीं ये डोमिनेटिंग है, और ये बोली मुझे डायरेक्ट, सर चलती तो मेरी से है, करती तो मैं अपने हिसाब से चलूँ। ये जो केस था इसमें मैंने लिया फर्स्ट रूब्रिक इंडिपेंडेंट, दूसरा रूब्रिक लिया फियर पैरालिसिस ऑफ, ये मैं बिस्तर पे ना आ जाऊँ, बिस्तर पे हम और ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि भैया मुझे मांगना पड़े, हेल्प मांगना पड़े। ठीक है, डिल्यूजन वॉन्ट ही विल कम टू, एब्जॉर्ब्ड एज इफ व्हाट वुड बिकेम ऑफ हिम, ये सारे जो रूब्रिक्स है ये पेन एक्सिस है। तो दल का हमारा हमारे पास पेन में ही क्यों आती है, जॉइंट पेन्स में ही क्यों आती है, व्हाट डज जॉइंट इंडिकेट्स, जॉइंट्स के बीच में जॉइंट्स का साइकोडायनेमिक अगर इन जनरलाइज देखा जाए तो मूवमेंट, जॉइंट्स हमें मूवमेंट देते हैं, और अगर इंसान की किसी की मूवमेंट रुक जाए तो वो हेल्पलेस हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, है ना। तो ये, और जो लोग इंडिपेंडेंट है या डिग्निफाइड है उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनको हेल्प मांगना पसंद नहीं होता, या खुद के भरोसे रहना रहता है, या डिग्निफाइड स्वाभिमानी रहता रहता है। तो ये सारे जो लोग हैं इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है अगर इनको जॉइंट पेन के कारण ही अगर एक जगह पर बैठ जाए। ठीक है, पर यहाँ ये इंडिपेंडेंट थे, तो इसका पेन एक्सिस हम देखेंगे डलका मारा का। हाँ, तो हमेशा ये बोलेगा डलका मारा पेशेंट, सर मैं ये सोचती हूँ कि ये पेन अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा मेरा फ्यूचर में, एंजाइटी हेल्थ अबाउट फ्यूचर अबाउट एब्जॉर्ब्ड एज इफ व्हाट वुड बिकेम ऑफ हिम, इसमें नेट्रमूर और डलका मारा है। नेट्रमूर को पिटीज नहीं चाहिए, ठीक है, दया नहीं चाहिए, इसलिए वो ये रूब्रिक में, डलका मारा इंडिपेंडेंट है इसलिए ये रूब्रिक में है, कि उसको ये फील आता है कि मैं किसी के भरोसे हो जाऊंगी, एंगर आता है इनको दर्द में, पेन्स अबाउट में, ये पेन एक्सिस बता रहा हूँ आपको मैं, पेन में कैसा बिहेव करता है, लेमेंटिंग पेन अबाउट, मोर्निंग पेन इन, डिस्पेयर विद पेन्स, और पेन में हेल्ड डिजायर टू बी कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड, रेजिग्नेशन छोड़ देता है, रिस्पॉन्सिव बट विदाउट इंटरेस्ट, एक रूबरी के कार्सिनोजिन भी है इसमें। तो मन से इच्छा नहीं होती है पर करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव विथ विदाउट इंटरेस्ट। अब ये जो लोग हैं एक्टिविटी वाले बिजी लोग हैं, काम करना है इन्हें, कुछ ना कुछ करते रहना है, बाहर जाना है, अफेबल है, तो ये लोग अगर बैठ जाए ना तो तब ये बीमार होते हैं, इसलिए ये रेस्टलेसनेस इडल वेंट, इडल मतलब खाली बैठना, बहुत बेचैन हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, सैडनेस विथ पेन, वीपिंग विथ पेन, फियर ऑफ पैरालिसिस, डॉक्टर साहब कहीं मैं दर्द के वजह से बैठ ना जाऊँ, फियर पैरालिसिस, और बट ये बहुत मतलब डेलीरियम में भी चले जाते हैं पेन्स की वजह से, बर्दाश्त नहीं कर पाते, गुस्सा करते हैं, हमारे पास कब आते हैं, डिल्यूजन शी कैनॉट वर्क अकम्प्लिश हर वर्क, मतलब मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, पूरा नहीं कर पा रही हूँ, उसमें ब्रायोनिया भी है, ब्रायोनिया को भी तब लगता है वो बिजनेस में, उसको लॉस का फीलिंग होता है, इसको ये फीलिंग होता है कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ, उसका इंडिपेंडेंस जा रहा है ये जॉइंट पेन की वजह से, ये पेन एक्सिस है का हमारा। हमें एक शेड बहुत, एक और डलका हमारा का शेड दिखता है जस्ट लाइक सिमिलर टू आर्सेनिक, जब हम आर्सेनिक दे देते हैं, और ये डलका मार होती है, इसको ध्यान रखिए आप, मैं बता रहा हूँ बहुत, मतलब ये जो रूब्रिक्स है ये हम मतलब जब लेते हैं और आर्सेनिक देते हैं तो आप डलका मारा भी सोचना चाहिए। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, टेंशन मेंटल थॉट्स फ्यूचर अबाउट, आर्सेनिक कैसा होता है ना, सेंसोरियस,
मॉकिंग होता है ना, एवराइस होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग, ये सारे आर्सेनिक के रूब्रिक्स, और इसमें डलका मारा भी है. एंड बट डलका मारा इज इन एंजाइटी एज इफ अ टाइम इज सेट. अगर उसको टाइम सेट मिल गया, जैसे इतने बजे जाना है, करना है, वो करना है, तो बहुत और रेस्टलेस हो जाता है. ये इसमें आर्सेनिक नहीं है. एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, फियर पॉवर्टी, फियर पॉवर्टी में डलका मारा गया, इसको भी दिक्कत होती है. डिस्पेयर अबाउट फ्यूचर, इंसिक्योरिटी मेंटल, है ना, फीलिंग रेस्टलेसनेस, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, ये सारे हमको फीलिंग आता है कि आर्सेनिक और ब्रायनिया हो सकते हैं, है ना, पर जो कि फ्यूचर और मनी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये डल का हमारा भी है इसमें. तो आप ध्यान रखिए, इसमें डल का हमारा मिस मत करिए, है ना, उसका बिहेवियर हाउ समझिए, क्या होता है उसका, वाई क्या होता है, ये समझिए, तो आप कभी डल का हमारा मिस नहीं करेंगे. कितने डल का हमारा उसको आपने आर्सेनिक किया हुआ है. तो ये डल का हमारा है, इसको अभी हम और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंपैरिजन एग्जैक्टली विथ काली कार, मतलब हाँ ये काली कार, ये डर का मारा है. ओके ओके गाइस, हाँ होप सो आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. जो भी अगर आपको क्वेरीज है और डाउट्स है, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करना. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ्स को भेजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, समझें, अप्लाई करें और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में हिट करें. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.